नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैनल रिलेशनशिप चैनल रिलेशनशिप क्या है बेसिकली जब एक रिटेलर एक मार्केटियर कोई भी बिजनेस कर रहा होता है तो उसको बहुत सारे चैनल मेंबर्स को यूज़ करना पड़ता है अपने पास क्योंकि फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर दी प्रोडक्ट विल गो टू द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर इट विल गो टू द होल सेलर फ्राम द होल सेलर इट विलर एंड देन द रिटेलर हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द कस्टमर तो चैनल मेंबर्स के पास नॉर्मली अगर हम बात करते हैं रीसेलर्स की सो दे डोंट हैव डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ़ द कस्टमर ऑफ द कस्टमर बिहेवियर ऑफ़ द कस्टमर बाइंग पैटर्न तो किसी भी हवाले से उनके पास कस्टमर इंफॉर्मेशन नहीं आती द ओनली सोर्स ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन वो यही है कि वो चैनल तमाम चैनल मेंबर्स दे शुड बी अलाइंड ताकि एक रियलिस्टिक कस्टमर इंफॉर्मेशन आ सके क्योंकि उसी की बेसिस के ऊपर द रेस्ट ऑफ द चैनल मेंबर्स विल बी हैविंग द डिसीजन ऑफ री ऑर्डरिंग और री बाइंग अ पर्टिकुलर थिंग तो चैनल मेंबर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम चैनल मेंबर्स के लिए जानना जरूरी है कि कस्टमर की बाइंग पैटर्न क्या है कस्टमर का बिहेवियर क्या है कस्टमर की फीडबैक क्या है अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अबाउट अ पर्टिकुलर सर्विस तो नॉर्मली ओवरऑल uh, कॉन्सेप्ट ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा तमाम चैनल मेंबर्स का उतनी ही इफ़ेक्टिवनेस इन रिलेशनशिप आएगी चैनल मेंबर्स की तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जहां एक तरफ रिटेलर uh, कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करने जा रहा है वहां दूसरी तरफ तमाम चैनल मेंबर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी इतना इफेक्टिव हो कि एग्जैक्टली कस्टमर का फीडबैक एंड मैन्युफैक्चरर तक और इम्पोर्टर तक जा सके ताकि वो प्रोडक्ट्स के अंदर या सर्विसेज के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट्स आप करने के लिए जा रहे हैं या चाहते हैं वो हो सकें और कस्टमर को का सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव कर सके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो के इफ़ेक्टिवनेस इन रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं मस्ट हैं फॉर गुड चैनल रिलेशनशिप सबसे पहला बात है कि मेंबर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जॉइंटली रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू डिलीवरी सिस्टम को इफ यू वॉन्ट टू डिलीवर वैल्यू टू योर कस्टमर सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी चैनल मेंबर का किसी एक चैनल मेंबर का रोल कम या ज्यादा नहीं है सो ऑल रिप्रेजेंट्स द वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क तो तमाम लोगों का फीडबैक तमाम चैनल मेंबर्स का फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ऑल मेन कॉम्पोनेट्स ऑफ दिस वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क फिर ईच चैनल मेंबर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो डिपेंडेंट हैं दूसरे चैनल मेंबर के ऑब्जेक्टिव के ऊपर और अल्टीमेटली कस्टमर का फीडबैक के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं सो so, अगर तमाम लोगों की डिपेंडेबिलिटी नहीं फील करेंगे एवरी वन विल वर्क एट इज ओन इंडिपेंडेंटली आप कभी भी एक इफेक्टिवनेस इन चैनल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकेंगे फिर इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे स्ट्रांगेस्ट लिंक वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क का हर चैनल मेंबर है तो इसी तरीके से सबसे वीकेस्ट लिंक भी यही है क्योंकि अगर कोई एक चैनल मेंबर वीक होगा अल्टीमेटली पूरी चेन ऑफ वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क विल बी डिस्टर्ब और इसका मतलब यह है कि कस्टमर कभी भी सेटिस्फाइड ग्रेटिफाइड मुतमिन नहीं हो सकेगा और अल्टीमेटली आपसे बाइंग नहीं करेगा फिर वैल्यू द नेचर ऑफ द वैल्यू डिलीवरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑन द टारगेट मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप जिस टारगेट मार्केट को टारगेट करने के लिए जा रहे हैं ऑफ कोर्स उस टारगेट मार्केट के चैनल मेंबर्स डिफरेंट होंगे सो हर टारगेट मार्केट के जितने भी चैनल मेंबर्स हैं उनको अलाइन करना उनको साथ लेके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क ऑफ दिस इफेक्टिव चैनल uh, रिलेशनशिप अगर तो आप ये इफेक्टिव चैनल रिलेशनशिप मेंटेन करने में कामयाब होते हैं एज ए रिटेलर एज ए मार्केटियर एज ए होलसेलर एज ए रीसेलर तो अल्टीमेटली आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव कर सकेंगे विच इज़ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल चैनल मेंबर्स इन द वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क